İmran senin canı tak. Beşumar, beşumar. İmparatora kuma. Namundur. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलन हमन आपसे मुखातिब है। इस वक्त देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं। इमरान खान साहब इस वक्त तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। खान साहब को एक मरतबा फिर से शायद अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पिछली मरतबा नाज़रीन एक शर्त रखी गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कि अगर इमरान खान साहब को गाड़ी समेत अंदर आना है तो उन्हें शौकत खानम के साथ साथ पिम्स हॉस्पिटल का भी सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा, तभी उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो गाड़ी समेत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हो सकें। लेकिन पिछली बार भी उन्हें इजाजत चूंकि नहीं दी गई, इस मरतबा भी इमरान खान साहब को इजाजत नहीं दी जा रही कि वो गाड़ी समेत अंदर दाखिल हो सकें। इमरान खान साहब की नजरें चूंकि टांग पर इस वक्त जख्मी है, टांग पर चोटें हैं, इसी वजह से व्हील चेयर का उन्हें पिछली बार भी सहारा लेना पड़ा और आज भी व्हील चेयर उनके साथ मौजूद है। अब इस वक्त स्क्वाड देख रहे हैं इमरान खान साहब के साथ उनकी हिफाजत के लिए जो स्क्वाड मौजूद है नाज़रीन, इस वक्त उनकी जानिब से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, क्योंकि खान साहब अब गाड़ी से उतरकर कोर्ट चीफ जस्टिस की कोर्ट में पेश होंगे। दो मुकदमात का इमरान खान को सामना है, एक इकदाम कत्ल और दूसरा मुकदमा बगावत का बनाया गया। इसके ऐसे नाज़रीन तकरीबन 150 के करीब ऐसे मुकदमात हैं जिनका इमरान खान साहब को इस वक्त सामना है। तो आज इनमें भी कोशिश की जाएगी खान साहब की जानिब से कि उन्हें अबूरी जमानत दी जाए, लेकिन आज खबरें नाज़रीन गर्म है कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी वजह से आज आप देख सकते हैं कि गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, यहाँ पर पुलिस एहलकारान हो, एफसी एहलकारान हो, एलीट फोर्सेज हो या रेंजर्स हो, यहाँ पर आज मुकम्मल तौर पर गेट के अतराफ में उन्होंने इसको चार्ज संभाल लिया है और किसी को भी गेट के पास जाने की इजाजत नहीं है। इवन के मीडिया पर्सन को भी आज गेट के अतराफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग तैनात हैं, जहाँ पर फोर्सेज हमारी तैनात है इमरान खान साहब को इस वक्त सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर नाज़रीन यहाँ पर बात करें तो सामने आप छतों पर भी देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारान छतों पर भी मौजूद हैं, रेंजर्स के अहलकारान भी वहां पर तैनात हैं और ड्रोन के जरिए से भी उनकी हिफाजत इस वक्त यकीनी बनाई जा रही है। इस वक्त आप ड्रोन को भी उड़ते हुए नाज़रीन देख रहे हैं जिन्हें रेंजर के अहलकारान इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। तो ये गेट के आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, गेट पर इमरान खान साहब की गाड़ी मौजूद है, गाड़ी में खान साहब मौजूद हैं और गाड़ी से चंद ही लम्हों में खान साहब उतर कर अब कोर्ट के अंदर पेश होंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी को पिछली बार की तरह इस बार भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनाजिर आपको नाज़रीन पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से खान साहब यहाँ पर पहुंचे और खान साहब अब गाड़ी से उतर कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल होंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उन्हें अबूरी जमानतें मिल जाए, जमानत उन्हें मिल जाए और इसके बाद दीगर मुकदमात का भी वो सामना इसी तरह से करते रहेंगे।